नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। तो आज से जो है मैंने टेक्निकल एनालिसिस की जो है एक सीरीज चालू कर दी है, जिसमें मैं सारे पैटर्न जो टेक्निकल एनालिसिस में होते हैं उन सब के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। तो देखिए, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये समझ लीजिए आप एक जो आप पेड कोर्स करते हो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर जो है फ्री में बताने वाला हूँ। तो टेक्निकल एनालिसिस में जो हम कवर करेंगे वो सारे चार्ट पैटर्न होंगे, कि जो भी इसमें चार्ट पैटर्न होते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, रेक्टेंगल पैटर्न, जो भी होते हैं ये सारे पैटर्न हम जो है इसमें कवर करेंगे। और उस प्लस जो है कैंडलस्टिक पैटर्न सारे कवर करेंगे, लाइक बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार, एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियोस। तो मतलब जो ये सीरीज मैंने चालू की है ये आप लोगों के लिए स्पेशल जो है मैंने चालू की है, क्योंकि मुझे काफी क्वेरीज आ रही थी इसके रिगार्डिंग कि सर आप टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो है मतलब वीडियो की सीरीज चालू करिए। तो मतलब मैंने उसके ऊपर जो है अब काफी दिनों से मैं काम कर रहा था, तो फाइनली जो है अब फ्री हुआ हूँ। तो अब जो है मैंने टेक्निकल एनालिसिस पे जो है आप लोगों को कंटिन्यू जो है बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, जो है काफी नॉलेजेबल कंटेंट होंगे। अगर आप कंटिन्यू इन वीडियो को देखते हैं तो आपकी जो है नॉलेज में काफी इम्प्रूवमेंट होने वाली है। तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज होती है, तो सबसे पहले हम इस चीज पर बात करेंगे कि टेक्निकल, व्हाट इज द टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस एक इज दैट वे कि ऐसा है कि ये रास्ता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसके थ्रू हम जो है अपने ट्रेड जो है डिफाइन कर सकते हैं, मतलब जिसके बेस पर हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में क्या चीजें आती हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह हो गया, सपोर्ट हो गया, ये प्राइस एक्शन वगैरह हो गया, तो ये सब चीजें जो है टेक्निकल एनालिसिस में आती हैं। देखिए, तो ये जो है दो तरह से दो दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में हम जो है पैटर्न ड्रॉ करते हैं, पैटर्न के ब्रेकआउट के बिहाव पे हम ट्रेड लेते हैं, इसमें हम जो है प्राइस एक्शन को भी ऐड करते हैं। तो प्राइस एक्शन और जो है टेक्निकल एनालिसिस का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज द बेस्ट। और देखिए, जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसमें हम कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं, कंपनी का प्रॉफिट लॉस डेप्ट वगैरह सब कुछ देखते हैं। तो देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस वो लोग करते हैं जिन्होंने मतलब लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो वो लोग जो है फंडामेंटल एनालिसिस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट वो भी जो है फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस को जरूर ऐड करते हैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए और जो है अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करने के लिए। तो जो है मैं आज जो है सीरीज जो मैंने ये टेक्निकल एनालिसिस की चालू की है, तो इसमें जो है सबसे पहला जो हम पैटर्न कवर करेंगे वो होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो आज मैं आप लोगों को सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न किस क्या होता है, ये किस तरह से वर्क करता है, मार्केट में कब फॉर्म होता है, कैसे ब्रेकआउट होता है, कैसे हमको एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको। सो स्टे ट्यून। तो चलिए हम जो है बात करते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखिए, ये एक इस तरह का पैटर्न होता है, मींस सिमेट्रिकल मतलब सेम, मतलब ऊपर से भी सेम और नीचे से भी सेम, ठीक है ना। बट ये कुछ डिफरेंस हो सकता है जो है एक्चुअल चार्ट में। तो इसमें देखिए हमको क्या देखना होता है, इसमें ये देखिए आपने इसमें मिनिमम जो है दो हायर हाई और दो लोअर लो चाहिए होता है इस पैटर्न को फॉर्म होने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक आपने देखा हायर लो, ठीक है, हायर लो के बाद ये हायर हाई, हायर हाई के बाद हायर लो, फिर ये हायर हाई, मीन्स हमको यहाँ पर दो जो है मतलब हायर लो मिल गए, तो हमको एक ऊपर से हमने ये ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर दी, और नीचे से जो हमको जो है लोअर हाई मिल गया, तो हमने इस यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ कर दी। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो आप वेव्स देख रहे हैं दिस इज लाइक प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन के वेव्स हैं, ठीक है। इसमें ट्रायंगल पैटर्न में जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो होता है इसकी जो है देखिए, जो यहाँ की जो मूवमेंट होती है यहां से लेकर यहां तक, मान लीजिए यहाँ की जो है प्राइस 100 रुपये है और यहाँ का 110 रुपये है, तो इसकी जो है रेंज धीरे धीरे कम होती चली जाती है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की एक सिंपल सी आइडेंटिफाई अगर आपने करना हो तो एक सिंपल सा देखिए इसकी एनालिसिस है
कि मतलब जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो फॉर्म होने होते हैं तो एंड में आकर जो है इसकी वेव्स जो है बहुत कम हो जाती है, मींस ये एक बहुत छोटे से एरिया में जो है वर्क करने लग जाता है, ट्रेड करने लग जाता है, और फाइनली जिस तरफ भी ब्रेकआउट करता है, देखिए इसमें ऐसा कोई नहीं है कि मतलब ये ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट करेगा, ये ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट कर सकता है और ये जो है नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट कर सकता है। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है इस तरह से फॉर्म होते हैं मार्केट में, तो ऊपर की तरफ भी ये ब्रेक हो सकता है और नीचे की तरफ भी ब्रेक हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका जो है एक एग्जांपल और दिखा देता हूं। ये देखिए जैसे यहां से जो है प्राइस की ने जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को जो है बनाना चालू किया, ठीक है ना। तो आप यहां की प्राइस जो है आपको 100 रुपीज मान लीजिए और वहां यहां का मान लीजिए 110 रुपीज। तो देखिए यहां पर हमको 1 एंड 2 मिनिमम हमको जो है दो जो है लोअर हाई चाहिए कम से कम जो है इसका जो है एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, और सेम जो है ऊपर की तरफ से भी हमको जो है हायर लो चाहिए। जब हमको दो हायर लो यहाँ पर मिल जाते हैं तो हम जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और नीचे से जो है हमको ये देखिए नीचे से भी हमने ड्रॉ कर लिया, ऊपर से भी ड्रॉ कर लिया, और फाइनली देखिए ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। अब देखिए मैं आपको एक ट्रेड करने का इसमें तरीका बता दूंगा। सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे इस अपना टारगेट क्या इसमें हो सकता है। तो ये जो मैंने ब्लू कलर की जो मैंने लाइन यहां पर बना रखी है ये टारगेट होता है। जो भी प्राइस जैसा मैंने आपको बताया कि ये मान लीजिए 100 रुपये है और ये 110 रुपये है, तो ये 10 रुपीज का गैप हुआ। तो हमारा टारगेट जब ये ब्रेकआउट होगा, चाहे ये ऊपर की तरफ हो चाहे ये नीचे की तरफ हो, तो इसका जो टारगेट होगा ये जो गैप में जो प्राइस जित की अंडर ट्रेड कर रहा है यही इसका जो है टारगेट होता है। तो चलिए आइए हम जो है मतलब कुछ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के कुछ चार्ट वगैरह और देख लेते हैं, जिससे आपको जो है चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मैं आपको जो चीज दिखाने जा रहा हूं यहां पर, ये देखिए अभी देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के जो है कुछ यहां पर एग्जाम्पल दे रखे हुए हैं। तो एक ये देखिए ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है ना। यहां पर ये देखिए ये जो लोअर हाई बन रहे हैं 1 2 3, तो हमको कम से कम दो लोअर हाई चाहिए और जो है दो लोअर लो चाहिए। तो देखिए इस तरह से हम जो है हमको दो लोअर लो और दो लोअर हाई मिल गया, तो इसके बिहाफ पे हमने जो है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक और दिखाता हूं, ये देखिए जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, मींस कहने का मतलब ये है इसकी रेंज जो है धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ठीक है ना। धीरे धीरे कम, मान लीजिए यहां पर 100 रुपये है, यहाँ 200 रुपये है, तो ये 100 रुपीज का गैप है, तो यहाँ पर जो है मिनिमम 5 to 10 रुपीज का जो है मूवमेंट यहाँ पर रह जाती है। और देखिए हमारी एंट्री यहाँ पर कहाँ पर होगी, यहाँ पर देखिए सिंपल सा मैंने पिक्चर में आपको दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पर देखिए सिंपल सा मैंने एंट्री लेवल यहाँ पर बता के रखा हुआ है। तो ये अपना एंट्री लेवल होगा, जहां पर भी इसका ये ब्रेकआउट होगा ये एंट्री लेवल होगा, ठीक है ना। और ये जो गैप है टोटल यहां से जहां से मतलब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ने बनना स्टार्ट किया है, ये गैप जो होता है इसका ये टारगेट होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक पिक्चर और दिखाता हूं, चलिए इसको ले लेते हैं, सॉरी इसको तो मैंने कवर कर दिया था, इसको लेते हैं। ये देखिए यहां पर देखिए ये किस तरह से यहां पर ब्रेकआउट हुआ है। यहां पर हमको मिनिमम जो है दो लोअर हाई और दो लोअर लो हमको चाहिए हुए थे, तो इस तरह से हमने ये ड्रॉ किया और फाइनली यहां पर हमारा जो है ब्रेकआउट हो गया। तो देखिए ब्रेकआउट में जो सबसे मेन चीज होती है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सबसे मेन चीज ब्रेकआउट में होती है, ब्रेकआउट देखिए दो तरह से हो सकते हैं, कई बार ब्रेकआउट फेक भी हो जाते हैं, तो फेक ब्रेकआउट में जो है प्राइस रिवर्स हो जाता है। तो ब्रेकआउट के लिए हमको जो है सबसे पहले हमको कैंडल को जो है फोकस करना है, कैंडल को फोकस करेंगे तो ब्रेकआउट जो है हम पहचान पाएंगे कि वो ब्रेकआउट जो है सही है, जेन्युइन है, या फिर वो सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए ठीक है इस तरह से देखिए हमने ड्रॉ करना है। ये देखिए यहाँ पर प्राइस जो है कंटिन्यू हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते चला आ रहा था, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये हायर लो, ठीक है, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो इस तरह से हम जो है ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और एक नीचे से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए हमारी एंट्री कहां पर होगी, हमारी एंट्री देखिए यहां पर होती है जहां पर इसका ब्रेकआउट होता है, मींस जब ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तब यहां पर हमारी जो है एंट्री होती है, ठीक है। तो ये देखिए ये असेंडिंग ट्रायंगल, तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का आपको एक और यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिखा दिया है। तो चलिए आइए इसको जो हम चार्ट में देखते हैं कि ये चार्ट में किस तरह से मतलब काम करता है। चलिए ये देखिए
यहां पर मैंने एक पैटर्न ड्रॉ करके रखा हुआ है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, एक दो तीन और चार। तो इस तरह से देखिए, जब ये प्राइस इस तरह से बनना चालू हुआ तो हमने ये पैटर्न जो है इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ये देखिए, ये पैटर्न ड्रॉ कर लिया और इसी पैटर्न को जो है हमने आगे की तरफ जो है इंक्रीज कर लिया, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए फाइनली यहां पर जो है ब्रेकआउट हुआ है। और देखिए, ब्रेकआउट के लिए अगर आप जो है पिछला हाई, ये जो पिछला हाई जो लगा हुआ है, अगर इसको जो है ब्रेक होने का वेट करते हैं सब, तब तो बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अगर आप एंट्री लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए हम यहाँ पर जो है वॉल्यूम को भी ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। कभी भी ये जो ब्रेकआउट होते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के, ये ब्रेकआउट जो है, अगर इस तरह का वॉल्यूम है वो, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ब्रेकआउट में अगर आपको इस तरह का वॉल्यूम मिलता है तब तो बहुत ही अच्छा है। अगर इस तरह का वॉल्यूम नहीं मिलता है तो ऐसे ट्रेडों को आप अवॉइड करिए, ठीक है ना। तो ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में या फिर किसी भी पैटर्न में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको मिनिमम जो है ब्रेकआउट के टाइम में वॉल्यूम देखना जो है बहुत जरूरी है। चलिए आइए हम जो है कुछ और देख लेते हैं। ये हम देख लेते हैं ग्लेनमार्क में। तो ये ग्लेनमार्क का मैंने चार्ट खोल लिया है। तो ग्लेनमार्क में यहां देखिए, ये देखिए, इसको मैं वीकली कर लेता हूं तो आपको जो है बहुत अच्छे से मतलब समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने वीकली कर लिया है। ये देखिए, ये जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का, ये जो ड्रॉ करके मैंने रखा हुआ है। ये देखिए, अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, अभी देखिए हम इसको भी डिलीट, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको यहां से हम लेना चालू करते हैं। तो हमने क्या किया, ये देखिए, हमको जो है हायर हाई और हायर लो हमको यहां पर मिल रहे हैं। तो हमने दो हायर हाई हायर लो पकड़े और ये पकड़ करके इस तरह से हमने, ये देखिए, ठीक है। और ऊपर से भी जो है, ये देखिए, हमने ये इस तरह से एक पैटर्न ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पीछे पिक्चर में बताया था कि आपने देखा कि मतलब कम से कम इसको जो है दो हायर हाई हायर लो चाहिए होता है ये पैटर्न बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये परफेक्ट जो है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का जो है एग्जाम्पल है। अभी देखिए, अभी मैं जैसा कि देखिए, इसमें जो सबसे अर्जेंट, जो मतलब सबसे जरूरी बात जो है वो है इसका ब्रेकआउट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इस कैंडल ने इस ब्रेकआउट किया, ये जो आप रेड कलर की कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है ना। अभी इस कैंडल को ब्रेकआउट, अभी हमको कैसे पता लगेगा कि ये ब्रेकआउट फेक है और रियल है, ठीक है ना। बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल ट्रैप इन दिस टाइप ऑफ ब्रेकआउट, ठीक है ना। इस तरह के ब्रेकआउट में जो है लोग ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ प्राइस आता है, प्राइस आने के बाद फिर जो है यहाँ से रिवर्स हो जाता है। बट हमको जो है ऐसे ब्रेकआउट में हमने ये कैंडल दे, ये देखिए नीचे वॉल्यूम की कैंडल देखिए, ये जो वॉल्यूम जो लगा हुआ है नीचे, ये वॉल्यूम देखिए बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा हुआ है। तो इस तरह के मतलब जो है हमको फोकस करना है ब्रेकआउट के टाइम में, ठीक है ना। और चलिए हम जो है अगला देख लेते हैं। आपको मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये हम देख लेते हैं डीएलएफ का चार्ट। तो डीएलएफ के चार्ट में यहां पर आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये डीएलएफ के चार्ट में ये फॉर्म हुआ था नियर अबाउट 2017 का है। तो यहां पर ये देखिए, हमको ये एक हायर हाई गया, ये हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। तो हमको 1 2 3, हमारे आप पास जो है तीन हायर लो है, ठीक है। और यहां पर जो है एक दो तीन, तीन जो है लो हायर लो है, ठीक है ना। तो अभी ये लोअर लो है, सॉरी। चलिए अभी ये देखिए, अभी यहां पर जो इस ग्रीन कैंडल ने जो ब्रेकआउट दिया है, ये देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, ये भी देखिए लास्ट की जो है 7 to 10 कैंडल से जो है इसका वॉल्यूम ज्यादा है। और देखिए इसका जो मैंने आपको बताया कि इसका हमको जो है टारगेट किस तरह से रखना है, तो हमने ये यहां से लेकर, ये जो है 132 रुपये का प्राइस है और ये यहां तक, ये देखिए ऊपर का प्राइस कितना है 217 रुपये। तो मतलब ये जितना भी गैप होगा, ठीक है ना, 132 नियर अबाउट आपका 90 रुपीज का जो है टारगेट यहां पर बनता है। तो यहां जहां से ब्रेकआउट होता है यहां से हमारा 90 रुपीज का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली मैं बात करूंगा कि अगर आप इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस किस तरह से कर सकते हैं। स्टॉप लॉस देखिए आपको यहां पर रखना होगा जो इसका लो लगा हुआ है, मीन्स जो इसका स्विंग लो है उसके नीचे आपको जो है इसका स्टॉप लॉस रखना होगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते
तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, मींस ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो आप इसके लो, इसके नीचे जो है अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम जो है इसमें एग्जांपल और देखने की कोशिश करते हैं। इसमें हम देखते हैं अभी एस्कॉर्ट्स में, ये देखिए एस्कॉर्ट्स, मैं ये जो है येलो कलर की लाइन जो है डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखिए एस्कॉर्ट्स में कितना अच्छा यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है। देखिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है, जैसे कि हम अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देख रहे हैं तो हमको हायर लो और लोअर लो की जरूरत पड़ती है। तो देखिए हमको इसमें करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल पैटर्न है, बहुत ही आसान से आप जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ जो है सॉरी इसको देखते हैं, हमने ये देखिए हमको ये पहला हाई मिला, ठीक है, दूसरा जो है ये लोअर लो मिला, हमने इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और सेम जो है नीचे से यहां पर देखिए हमको ये देखिए हायर लो मिला, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है, और इस तरह से हमने ये देखिए ड्रॉ कर दिया। ये देखिए कितना सिंपल पैटर्न है, कोई भी आराम से ड्रॉ कर सकता है। आप जाइए इसको अपने चार्ट में जो है प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इस कैंडल ने जो है ब्रेकआउट दिया है। अभी हमारा जो है टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट ये है, ये देखिए यहां जहां से मतलब इसने फॉर्म होना चालू किया है, तो हम इसको, ये कैंडल है ठीक है, और यहां पर जो है प्राइस है ये 750 है, और जो ऊपर का प्राइस है वो 1000 रुपीज है, मीन्स 250 रुपीज का जो है टारगेट यहां पर हमारा होना चाहिए। और ये देखिए जहां पर 750 से लेकर नीचे जो ये आया है 540 तक आया है, तो आप यहां पर, आपने यहां पर देखा कि बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपली मतलब इसने अपना जो है टारगेट अचीव कर लिया। चलिए अभी हम किसी और पैटर्न में, किसी और स्टॉक्स में जो है इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ढूंढते हैं, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। कौन कोर यहाँ पर, हाँ ये देखिए एक यहाँ पर इस तरह का यहाँ पैटर्न बना हुआ है, सेम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, समझ लीजिए ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, अगर आप करना चाहें तो अपने चार्ट में जो है प्रैक्टिस करके इसको देखिए, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप सोच रहे कोई रॉकेट साइंस है, यहाँ पर देखिए अगर हम ड्रा करने की कोशिश करें तो ये देखिए इस तरह से हमने एक ये पकड़ा, और यहां जो है हमने हाई पकड़ के ये देखिए, ठीक है, ये भी हमारा एक हो गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, और यहां पर देखिए अगर हम जो है सॉरी सिंपल, हमको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, अब ये भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हो गया। ठीक है, अभी इसको इतना ऊपर से नहीं जाना है, तो आप, क्योंकि मैंने ये वीकली चार्ट लगा रखा है, अगर आप इसको डेली चार्ट में करेंगे तो डेली चार्ट में आपको जो है और ये पैटर्न अच्छे से दिखाई देगा। चलिए मैं इसको डेली चार्ट ही कर लेता हूँ, डेली चार्ट में करके आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ ये देखिए, ये देखिए अभी, चलिए अभी हम इसका जो है गैप देखते हैं, गैप कितना है। यहाँ का जो प्राइस है, ये प्राइस है 2750, और ये जो प्राइस है ऊपर का ये 3650 लेते हैं इसको, और ये जो है 2750, मीन्स नियर अबाउट आप दे सकते हैं कि ये 3600 900 रुपीज का जो है ये गैप है। तो देखिए अभी ये टारगेट अपना अचीव हुआ कि नहीं हुआ है, तो 27 और यहाँ पर नीचे जो है 18, तो बहुत आराम से यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ है। तो देखिए बहुत सिंपल चीज है, बहुत आसान है, ठीक है ना, आपने कुछ नहीं करना है, एक ट्रेंड लाइन ऊपर से ड्रॉ करनी है और एक ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रॉ करनी है, बशर्ते आपने जो है मतलब ये टचेस का ध्यान रखना है कि ये जो नीचे आपके जो टचेस हो रहे हैं ये टचेस प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है ना। और जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट पर भी जो है खास तौर पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट में भी देखिए लास्ट जो कैंडल का आप साइज देख सकते हैं, ये जो पीछे जो कंटिन्यू जो कैंडल चल रही है अभी अक्टूबर से लेकर के जो है फेब्रुवरी तक, तो यहाँ पर कैंडल ने जो है मतलब सॉरी वॉल्यूम की जो कैंडल जो बनी हुई है बहुत कम वॉल्यूम लगा हुआ है, बट यहाँ पर जिस टाइम में ब्रेकआउट आपने यहाँ पर देखा, ब्रेकआउट के टाइम में आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम जो है किस तरह से इंक्रीज होने चालू हो गए हैं। तो मतलब देखिए कभी भी इसमें ट्रैप होने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम के बेस पर ट्रेड करिए, ठीक है ना।
बाकी मैं आप लोगों के लिए जो है कंटिन्यू अब इसी तरह की वीडियो लेके आता रहूंगा, जिसमें जो है ये तो देखिए बहुत सिंपल सा पैटर्न था, बाकी आगे जो है आने वाले टाइम में जो है मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा पूरे एग्जाम्पल के साथ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है ना। काफी अच्छे कंटेंट लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी जो है आने वाले टाइम में जो है टोटल मैं A to Z जो है टेक्निकल एनालिसिस टोटल कवर करूंगा, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपके आ जाएंगे और जो है चार्ट पैटर्न भी आ जाएंगे, उसके बाद फंडामेंटल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। फिलहाल आप जो है जो चीजें मैंने बताई आप इसको जो है अपने चार्ट में जो है ड्रॉ करने की कोशिश करिए, जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप जो है मुझे सीधा मेरे को मेल कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर भी आपको जो है काफी चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस सीखने में बहुत आसानी होगी। चलिए आपका दिन शुभ हो, स्टे होम स्टे सेफ।